रोहतक लोकसभा क्षेत्र है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के छत्तीस बिरादरी के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ये भाजपा अहंकार में आ गई। अभी अनिल विज जी ने जो बयान दिया था हरियाणा में वो कि भाई ये जेल में कमरा तैयार करा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आप जेल में कमरे क्यों बनवा रहे हैं? आप अम्बाला सर महागठबंधन बना रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, वो टूटता सा नजर आ रहा है। जैसे पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम 13 सीटों पर लड़ेंगे, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे। देखिए ये जो है इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे है और राष्ट्रीय स्तर पे जो है बातचीत चल रही है सारे दलों की, तो आपको लगता है कि दोबारा जो ये नहीं इसमें ये तो चलती रहती है बातें, तो ये तो इस तरह के बयान तो आते रहते सारे अलग अलग पार्टियों की। राष्ट्रीय स्तर पे बातचीत हो रही है, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है और वो आपस में बातचीत करके हर प्रदेश की अलग परिस्थितियाँ है। हरियाणा प्रदेश की जो परिस्थिति, हरियाणा प्रदेश में खट्टर सरकार विफल सरकार साबित हुई है। हरियाणा प्रदेश की जनता आज के दिन दोबारा हरियाणा में परिवर्तन लाने का जनता ने मन बना लिया है। इस अहंकारी जन विरोधी देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार को बदलकर हरियाणा में दोबारा से विकास की पटरी पर हरियाणा को देश में सबसे आगे लेके जाने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भांजी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। टीएमसी नेता है डेरेक ओब्रायन, उन्होंने कहा कि अनुरोध जो अधीर रंजन चौधरी है बंगाल के जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनकी वजह से उन्होंने गठबंधन को, तो वो तो आप उनसे पूछो, बंगाल में जब मैं जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी तो हरियाणा की जो है ना बात, बंगाल का देखो बंगाल का अपना उनका है, अब उसमें क्या नाम बताएं। अशोक तंवर पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब विभिन्न पार्टियां बदल के भाजपा में शामिल, ये क्या लगता है आपको, क्या भविष्य नजर आ रहा है? ये आप अशोक तंवर से पूछिए, देखो मैं तो इसमें क्या बताऊं उनका। नहीं आपने भी साथ काम किया है। हाँ चलो हम तो अपना जो है जो सबका अपना स्वतंत्रता है, अपनी पार्टियां जो जिसमें जो इसको ठीक लगे। लोकसभा के लिए क्या तैयारी? लोकसभा चुनाव में मुझे विश्वास है कि जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के छत्तीस बिरादरी के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ से रोहतक लोकसभा क्षेत्र इतिहास रचने का काम करेगा और रोहतक की जो जीत है यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जो लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता है वो रोहतक की नहीं, वो हरियाणा की राजनीति को, भविष्य राजनीति को निर्णायक मोड़ रोहतक लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का नतीजा देने का काम करेगा। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें असम के नेता का मुख्यमंत्री का बयान आया कि मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में सबको अपनी 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 बात कहने का, अपनी रैली करने का, यात्रा करने का अधिकार होना चाहिए। जिस तरीके से जो सरकार है वो एक यात्रा तक भी निकालने पे इस तरह से जो है ऐसा लग रहा है कि बार बार कहीं ना कहीं उसको रोकने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी बात सारे रखें, जनता को जो इस बात को ठीक लगती है जनता वो बात स्वीकारती है। ये प्रजातंत्र का एक संविधानिक एक हमारे सिद्धांत है, इन आदर्श इन सिद्धांतों को ना भूला जाए। यात्रा ही तो निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने दीजिए। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि दो लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे, इस बयान को देखिए, ये भाजपा अहंकार में आ गई, भाजपा अहंकार में आ गई। आप देख रहे हैं लगातार हरियाणा के भाजपा के नेता ये बयान दे रहे हैं कि हुड्डा साहब को गिरफ्तार करेंगे, वो कह रहे राहुल जी को गिरफ्तार करेंगे। ये मैं समझता हूँ ये देश में संविधान के धारे होते हैं, संविधान न्यायपालिकाओं के फैसले होते हैं, विपक्ष की जहाँ भी मजबूत कोई आवाज़ होती है देश में उसको दबाने कुचलने की ये जो बातें जो की जाती हैं ये अपना ये सही नहीं है। अभी अनिल विज जी ने जो बयान दिया था हरियाणा में वो कि भाई ये जेल में कमरा तैयार करा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आप जेल में कमरे क्यों बनवा रहे हैं? आप अम्बाला कैंट में मैं गया था, वहाँ पर सारी सड़कें आज के दिन बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप ऐसे जेल में कमरे बनवाने के बजाय आप अपना वहाँ लगवाएं, वहाँ डेवलपमेंट कार्य कराएं। आप ये क्या क्या जेल में कमरे किसके लिए तैयार करा रहे हैं?